बता चुकी हूँ

बहुत इजी सा एग्जांपल मैंने आपको सेशन नंबर वन में बताया था जब वाटर फॉर्म होता है और कैसे फॉर्म होता है व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू क्लियर पे एग्जांपल है तो फर्स्ट इज और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होते हैं तो किसमें डीकम्पोज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में सेम जब क्लूक्लाइन सी ए कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो लाइम बनता है और हीट निकलती है ठीक है में को जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हो हो जाती है, है? में, में में। और थ्री में. तो ये हो गए केमिकल रिएक्शन के, क्लियर? ठीक फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यू सबस्टेंसेज अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका मैं पता कैसे चलेगा फर्स्ट थिंग इज देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस और सब्सटेंसेस कोई न्यू या स का फॉर्मेशन होगा पहली बात मैंने आपको बताई थी सेकेंड प्रोडक्शन ऑफ हीट और लाइट और हीट और लाइट बोथ हीट का प्रोडक्शन होगा या लाइट का फॉर्मेशन होगा और हो सकता है हीट और लाइट दोनों का ही प्रोडक्शन हो क्लियर थर्ड इज चेंज इन कलर कलर में भी चेंज हो सकता है और फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर जो टेम्परेचर होता है सबिस्टेंस का उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं क्लियर तो आइडेंटिफिकेशन में चार क्या हो गए फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूस्टेंस प्रोडक्शन ऑफ हीट हीट लाइट और बोथ ठीक है चेंज चेंज इन इन कलर एंड हीचर तो ये चार पॉइंट्स हो गए जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही नेक्स्ट चीज आती है एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट दट बर्निंग ऑफ एयर मैग्नेशियम इन एयर इज कॉल्स केमिकल रिएक्शन क्या हुआ जो मैग्नेशियम है ठीक है उसका जलना जो है एयर में वो केमिकल रिएक्शन होती है हमें ये डिमोन्स्ट्रेट करना है और कैसे कर सकते हैं देखो यहाँ पे ये एक्टिविटी प्रोवाइडेड है हमने एक मैग्नेशियम रिवन लिया ठीक है जिसपे मैग्नेशियम लगाया हुआ है ठीक है एक टोंग ली जिसके थ्रू हमने उसे पकड़ा हुआ है बर्नर लिया जिसके थ्रू हम उसे जलाएंगे और यहाँ पे हमने वॉच ग्लास रखा जिसमें हम जलाने के बाद जो ऐश इकट्ठा होगी उसे हम यहाँ पे रख सकते हैं जो एश होती है वो किसकी फॉर्म में मिलती है हमें की में so क्लियर थ्रू उसे रब करके उसे क्लीन कर लिया जाता है ठीक है होल्ड इट पेयर ऑफ टॉन्ग्स टोंग के थ्रू हम उसे पकड़ते हैं बर्न इट यूजिंग स्प्रिट लैम्प स्प्रिड लैम्प की से हम उसे जलाते हैं और फिर स्प्रिड लैम्प की जगह हम बर्नर का यूज कर सकते हैं एंड कलेक्ट द द शो इन ग्लास और जो एश है, हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं जो मैग्नेशियम था जब उसको हमने वर्न किया ठीक है तो वो मैग्नेशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ठीक है दैट इज यहाँ पे क्या हुआ केमिकल रिएक्शन हो गया ठीक है तो ये एक्टिविटी थी हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखने की केमिकल रिएक्शन देखने की सेकेंड एक्टिविटी जो आती है अबाउट द स्टडी ऑफ ऑफ नेचर रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो जिंक मेटल होता है और जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है उनकी जो नेचर होती है उसको स्टडी करने के लिए ये एक्टिविटी का मेन मोटिव है हमने यहाँ पे एक बीकर लिया जिसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हैं साथ में डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालिया एक ये कॉनिकल फ्लास्क है दैट इज मैंने जिसको बोला बीकर ले सकते हैं क्लास ट्यूब है और यहाँ पे हमने कॉर्क लगा दिया टेक अ फ्यू जिंक इन फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब मैंने बताया आपको हमने जिंक लिए एज एल्यूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हमने क्या करा उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर दी क्या आपको कुछ चेंज दिखा क्या होता है जब जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हीट का फॉर्मेशन होता है तो जो तुम्हें जो कॉनिकल फ्लास्क है वो थोड़ी गर्म दिखेगी उसे लगेगा आपको उसका टेम्परेचर राइस हो गया उसमें हीट फॉर्म हो जाएगी तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ दैट जब रिएक्शन होते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है या फिर हीट फॉर्मेशन होता है क्लियर सो द नेक्स्ट थिंग इज वाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो टाइप के रिएक्शन होते हैं तो ये क्या होते हैं रिएक्शन इज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक दैट आउट हीट

बढ़ जाता है क्लियर वॉट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक हीट इज गिवन आउट ड्यूरिंग दैट चेंज ठीक है फॉर के लिए हाइड्रोजन प्लस वाटर सॉरी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और जब वाटर फॉर्म होता है तो हीट निकलती है क्लियर जो क्विक लाइम होता है जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो स्ले लाइम बनता है ठीक ठीक है 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 और और जो स्लेग बनता है, उसके बाद में हीट का का भी होता है। तो हीट निकली, हीट गिवन आउट की। तो निकली की ये क्या हुआ का प्रोसेस हुआ सेम और जब करते हैं एक दूसरे से तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी लिबरेट होती है ठीक है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ तो इसको भी हम एज अ हीट मानते हैं तो ये भी किससे एग्जाम्पल हुआ एक्सोथर्मिक का सो so क्लियर है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट रिलीज आउट होती है जिसमें हीट गिवन आउट होती है ठीक है द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाई बैन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक कब होगी कब और क्यों होती है सिंपल सा आंसर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द केमिकल बॉन्ड्स इन रिएक्शन आर ब्रोकन ऑब्वियसली क्या होता है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो सबस्टेंस जो है उनके बीच ऑब्वियसली जो बॉन्ड रहते हैं वो टूटने लगते हैं अब जब बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होंगे न्यू टाइप के बॉन्ड्स फॉर्मेशन होंगे ना व्हेन द एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू द बॉन्ड फॉर्मेशन अब ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उससे निकली हुई जो एनर्जी है ठीक है

और हीट जो है वो एनवायरमेंट के थ्रू एब्सॉर्ब कर ली जाएगी ठीक है तो वहां पे क्या था एक्सोथर्मिक में हीट निकल रही थी यहाँ पे एब्सॉर्ब की जा रही है एक्सोथर्मिक का जो अपोजिट प्रोसेस होता है उसी को हम एंडोथर्मिक बोलते हैं सो so, एग्जाम्पल के लिए जब हमारा लीड नाइट्रेट है हीट दी लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ अलोंग विद ऑक्सीजन लिबरेट हुई ठीक है सल्फेट है उसको भी हीट दी

ये एग्जाम्पल एंडोथर्मिक का नहीं है ये किसका एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का क्लियर ये एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक का है कॉज यहाँ पे हीट निकल रही है और एंडोथर्मिक में क्या होता है हीट दी जाती है सबस्टेंस हीट को एब्जॉर्ब करता है क्लियर सो द थिंग इज व्हाई एंड व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज एंडोथर्मिक सेम चीज आती है कि क्यों केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है तो इसका सिंपल सा है अ सबस्टेंस जब भी चेंज होगा हीट एब्सॉर्ब होगी तो क्या होगा अब एक बात बताओ हीट एब्सॉर्बेशन हो रहा है तो जो बॉन्ड है ठीक है वो ब्रेकेज हुए तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी ऑब्वियसली द एनर्जी रिलीज इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है एनर्जी दैट वी प्रोवाइडेड टू द रिएक्टेंट्स जो हमने एनर्जी के बॉन्ड ब्रेकेज के लिए प्रोवाइड करी थी

So now it's a time for challenging question mark. So today's uh, challenging question mark is respiration is considered as an exothermic reaction. Give reason. Your time to start now. One, two, three, four, five. Time's up. So have you answered this in your minds? Let's check out. Actually, it is because.

मैंने आपको अभी थोड़ी से टाइम पहले जब मैं आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल करा रही थी तभी मैंने आपको बताया था जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तब सीओ टू और वाटर का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विद एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ए टी पी तो यही रीजन है कि जो हमारी रेस्पिरेशन होता है उसे हम एक्सोथर्मिक मान के चलते हैं ठीक है जिके? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है सो वॉट वी लर्न टूडे We about हमने क्या होती हैं हमने ये है, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हमने के बारे में पढ़ा हमने ये भी पढ़ा कि एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्यों है ठीक like है और जो चीजें हैं अबाउट दिस चैप्टर लाइक केमिकल इक्वेशन हुई और मैनी अदर थिंग अबाउट दिस चैप्टर वी आर गोट डिस्कस इन नेक्स्ट से